हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी की जिसने मुझे बहुत सारे पैसे कमा के दिए थे इन लास्ट ईयर, एंड आपको सबूत भी दिखाऊंगा मैंने कौन कौन सी उसमें ट्रांजेक्शन करी थी। आप लोग भी उसको परचेज कर सकते हो, परचेज करना बहुत सिंपल है उसको। प्लस आप लोग उसको स्टेक भी कर सकते हो, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी उसके मिलते हैं, उसका अलग से एक वॉलेट भी है, सब कुछ है, एब्सोल्युटली रेडी। खाली आप लोगों ने उसके बारे में अपनी रिसर्च खुद करनी है बिफोर इन्वेस्टिंग एनी मनी। आज हम जिस क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं वो है वी चेन, जिसे वेट भी कहते हैं। उसके बारे में आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। आप उसको कहाँ से परचेज कर सकते हो, कौन से वॉलेट में रख सकते हो, कैसे उसको स्टेक कर सकते हो, कैसे आप अपना पैसिव इनकम कमा सकते हो वी चेन के थ्रू, सारी चीज़ों की बात करेंगे। पहले आपको दिखाता हूँ अपनी ट्रांजेक्शन, फिर आपको दिखाते हैं इसका ग्राफ कॉइन जीको में जाके, फिर आगे की बातें उसके बाद करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो, मैंने वी चेन लिए थे ऑन 12th of August 2020, जो मैंने लिए थे 41,370। उस टाइम बहुत ही सस्ता चल रहा था, एंड आई सोल्ड इट ऑफ इन 13th of February 2021। मैंने ये बेच दिए थे वापस, फिर मैंने इसको अगेन परचेज करे थे, फिर मैं थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटीज़ की बेचता रहा। मैं रीज़न क्या है, मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ की बेचता रहा, एंड जो मैंने पहले बल्क में परचेज़ करा था उसमें मैंने कितने पैसे कमाए, उन सब की बात करते हैं। तो चलते हैं कॉइनजी को ऐप में, देखते हैं वी चेन कर क्या रहा है। अगर हम यहाँ पे सर्च करें वेट, तो ये क्रिप्टो करेंसी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि अभी रैंक चल रही है नंबर 21। अभी इसका प्राइस चल रहा है 8 रुपीज़ 53 पैसे, जो कि अच्छा खासा गेन है इस प्राइस का। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम की, मैंने इसको परचेज़ करा था बिलो 1 रुपीज़ जब मेरा इसका परचेजिंग था, तो मैंने इसको सेल करा था अराउंड 7 to 8 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि मेरी बाइंग बिलो 1 रुपीज़ थी। मेरे लिए अच्छा खासा गेन ये दे चुका था। इसका जो मैंने प्रॉफिट मार्जिन सोच रखा था, वो मैंने सोच रखा था कि ये कम से कम मुझे 5x या 6x देगा, और मैंने इसको एक साल के लिए होल्ड करना है। यस, एक साल से पहले ही ये मुझे 5x 7x दे चुका था, तो इसीलिए मैंने इसको सेल ऑफ कर दिया। सेल ऑफ करने के बाद जनरली हम सबके साथ ये दिक्कत होती है, जैसे ही हम कोई एसेट बेच देते हैं ना, उसके बाद उसका प्राइस भागने लगता है। जैसे ही मैंने इसको सेल ऑफ करा था 7 रुपीज़, मैं इसको अगेन परचेज करने की सोच रहा था, बिकॉज ये थोड़ा सा हल्का सा डिप आया था, बट उसके बाद जो ये भागा है एंड जाके एकदम टकराया है 20 रुपीज़ में। आप यहाँ पे साइड में ग्राफ में देख सकते हो, बट उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली ये वापस नीचे आग की तरफ आ रहा है। अभी ये पहुँचा था लास्ट ऑफ लेटली, ये पहुँचा था अराउंड 5 रुपीज़ के आसपास, एंड अगेन ये गेन हो रहा है। वी चेन इज़ अ वेरी गुड क्रिप्टो करेंसी, मैं खुद रिकमेंड करता हूँ आपको वी चेन, बट परचेज करने से पहले अपनी रिसर्च आप खुद कर लीजिएगा कौन सा इसका करेक्ट टारगेट है बाय करने का। प्राइस इसका जो आप परचेज कर सकते हो वो है अराउंड 5 रुपीज़ के आसपास, 5 या 4 रुपीज़ के आसपास इसको आप परचेज करना, ये आगे जाके बहुत अच्छा करेगा। प्लस इसमें जो पैसिव इनकम होती है वो भी अच्छी खासी होती है, इसका वॉलेट भी है खुद का, वो भी बात करते हैं अभी हम आपसे। आप इसका 1 ईयर का चार्ट देखोगे, 1 ईयर में गेन हुआ है 571%, 60 डेज में 47%, 30 डेज में 37%, लास्ट 7 डेज में ऑल्दो माइनस चल रहा है 9.5%, 24 आवर्स में -6.3%। 24 आवर्स हाई आप देख सकते हो 9 रुपीज़ 16 पैसा, 24 आवर्स लो आप देख सकते हो 8 रुपीज़ 49 पैसा। बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, तो अगर कोई डेली ट्रेडर है हु वॉन्ट्स टू डू अ डेली ट्रेडिंग, लुकिंग इन टू कि कितनी इसमें फ़ीस लगती है, गैस फीस लगती है, वो सारे हटा के ही डेली ट्रेडिंग करना, तो इसमें आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। इसका ऑल टाइम हाई आप देख सकते हो 20 रुपीज़ 95 पैसा, सिंस ऑल टाइम हाई ये नेगेटिव चल रहा है 59%, सिंस ऑल टाइम लो ये आप चल रहा है 5,782%, जो कि बहुत ही अच्छा खासा गेन है इसका। एक्सचेंजेस की अगर हम बात कर लें, वी चेन आपको मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस में आपको मिल जाएगा, स्पेशली बाइनेंस हम सब यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, आप लोगों को पता है। बाइनेंस में आप इसको परचेज कर सकते हो ट्रेडिंग वाया USDT, एंड बहुत सिंपल होता है उसका परचेजिंग। अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे डिफरेंट एक्सचेंजेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कूकॉइन में भी अवेलेबल है जहाँ पे थोड़ा सस्ता है, तो अगर आपको थोड़ा चीप चाहिए तो आप कूकॉइन से जाके परचेज कर सकते हो, वहाँ पे चल रहा है 8 रुपीज़ 50 पैसे का। बाइनेंस में अगर आप ट्रेड करते हो यूरो से, तो वहाँ पे चल रहा है 8 रुपीज़ 63 पैसे का। सबके प्राइस अलग होते हैं, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सचेंजेस में आके एक बार प्राइस देख के आप फिर डिसाइड करें कौन से एक्सचेंज से आपने कौन सी क्रिप्टो करेंसी परचेज करनी है। इसके हम इन्फो सेक्शन में आ जाते हैं, इन्फो सेक्शन में हमको इसका होम पेज दिख जाता है, इसके 2 होम पेज हैं आप देख सकते हो, एंड अनाउंसमेंट्स यहाँ पे होती है, ब्लॉकचेन सप्लाई चैट के लिए इनके पास वीबो ऐप है, ट्विटर और टेलीग्राम में आप इनको फॉलो कर सकते हो। सबसे पहली चीज नोट करने की है, वी चेन फाउंडेशन इज अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी एस्टैब्लिश्ड इन सिंगापुर, सिंगापुर की क्रिप्टो करेंसी है, हम सबको पता है पहले से। बट अभी हमारा पॉइंट है कि इसका प्राइस प्रेडिक्शन ढूंढना ऑन ट्विटर। ट्विटर में एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग आके कमेंट्स करते हैं ऑन देयर फेवरेट क्रिप्टो करेंसी, उनका क्रिप्टो करेंसी कितने प्राइस तक जा सकता है, क्या उसका प्राइस टारगेट रखना चाहिए। बहुत सारे
लोग रियलिस्टिक प्राइस प्रिडिक्शन भी दे रहे हैं कि 70 to 80 cents पहुंचेगा बाय द एंड ऑफ 2022। तो आप लोग अपनी प्राइस प्रिडिक्शन खुद निकाल सकते हो। मेरा मानना यह है कि इसको अभी परचेज करने से अच्छा थोड़ा और वेट कर लो, क्योंकि जैसे ही प्राइस में थोड़ा और डंप आएगा, अराउंड 5 rupees के आसपास आएगा, तब आप इसको परचेज कर सकते हो। बिकॉज वहाँ पे एक इसको सपोर्ट लाइन बन गई है, वहाँ से ये एक बार आके अगेन ये ऊपर जा चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने वी चेन परचेज कर लिया, आपने मन बना लिया वी चेन परचेज करने का, आपने परचेज भी कर लिया, तो इसका वॉलेट कौन सा है और उसको स्टेक कैसे करते हैं। इसकी स्टेकिंग बहुत ही सिंपल है। जब मैंने इसको इनिशियली परचेज करा था, तब मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था कि इसको स्टेक ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हैं, बट इसकी स्टेकिंग बहुत सिंपल है, आपने कुछ भी नहीं करना होता। तो इसका वॉलेट है वीचेन थोर वॉलेट, एंड यस बहुत ही सिंपल है, ये आपको सारी जगह मिल जाएगा। ये आपको आपके एंड्रॉयड डिवाइस में भी, आईओएस डिवाइस में, सारी जगह आपको ये मिल जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे अलग क्रिप्टो करेंसी भी रखने का एडवांटेज मिल जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट थिंग इज, कई लोग ये बोलते हैं कि सर इसमें मंगाएं कैसे क्रिप्टो, बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता है। तो आप जैसी वेट में क्लिक करते हो, जो कि हमारा हम परचेज कर रहे हैं, वेट में जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आप देखते हो ट्रांसफ़र और रिसीव। ट्रांसफ़र मतलब भेजना, रिसीव मतलब आपने मंगाना है यहाँ पे। तो जैसे ही आप खोलते हो, यहाँ पे पहले आपको वार्निंग देता है, ट्रांसफरिंग एसेट्स डायरेक्टली फ्रॉम इथेरियम टू वी चेन थॉर कैन बी डेडली, वो होता है, वो ये हमेशा बोलता है, डू नॉट ट्रांसफर एनी एसेट्स फ्रॉम इथेरियम वॉलेट इंक्लूडिंग ERC-20 वेन टू वी चेन थॉर वॉलेट। तो ये मत करना आप लोग। जैसे ही आप इसको ओके करते हो, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाता है, तो जहाँ पे भी आपने परचेज करा है, सपोज आपने बाइनेंस में परचेज करा है, बाइनेंस से आप डायरेक्टली यहाँ पे भेज सकते हो। ये एड्रेस कॉपी करके इस एड्रेस में आप अपनी वी चेन मंगा सकते हो। अब इसको स्टेक कैसे करना है, उसका बहुत सिंपल तरीका है। आपने जैसी वी चेन मंगा लिया, आपने फ़ोन रख देना साइड में, अपने आप स्टेकिंग हो जाएगी। तो इसका स्टेकिंग का प्रोसेस एक्चुअली है ही ऐसा, आपने यहाँ पे वी चेन मंगा लिया, आपने इसके बाद कुछ नहीं करना है। इसमें जो रिवॉर्ड मिलते हैं वो आपको मिलते हैं वी चेन थॉर। एंड अगर आप यहाँ पे देखो, जब मैंने 2 बार इसको सेल करा था, तो मैंने इसको 2 बार इसको यहाँ से प्राइस का रिवॉर्ड निकाले थे। आपने एक्चुअली इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ से निकाले थे 3183 वी थॉर, सेकेंड टाइम मैंने निकाले थे 718 वी थॉर। तो ये आपकी एक एडिशनल इनकम होती है। मुझे पता है बहुत सारे लोग कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे कि इसके बाद वी चेन इतने थे, वी चेन इसने इतने टाइम के लिए रखे, तो वी थॉर इसके बाद इतने आए, वी थॉर की वैल्यू ये चल रही है, मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट निकाल लेंगे। कोई भी अमाउंट हो, आई वॉज हैप्पी कि मैंने कुछ नहीं करा है, पैसे मैंने रख रखे, बेसिकली क्रिप्टो मैंने रख रखा है, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, चाहे वो 10 रुपये हो, चाहे 100 रुपये हो, चाहे 1000 रुपये हो, चाहे 10,000 रुपये हो, चाहे 1,00,000 रुपये हो, जितना भी पैसिव इनकम आती है, ऑब्वियसली कोई बुरा नहीं मानता। तो अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप रख रहे हो अपने पास फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप उसको स्टेक कर लो, चाहे उसमें कुछ भी रिवॉर्ड्स आए, आपका एटलीस्ट पैसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो भी क्रिप्टो करेंसी में आपकी प्राइस इंक्रीज होगी वो अलग, जो आपके पास पैसिव इनकम आ रही है थ्रू स्टेकिंग वो अलग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम सब ने करना चाहिए, आप लोग भी कर सकते हो। तो गाइज विद दैट सेड, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय।